गाजा में फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री के काफिले पर विस्फोट के बाद 7 घायल हो गए, रामी हमदल्लाह बच गए। एक विस्फोट ने फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री के काफिले को मंगलवार को मारा, क्योंकि वह गाजा के लिए एक दुर्लभ यात्रा कर रहे थे, जिसमें फतह की पार्टी ने हत्या का आह्वान किया था, जिसने गाजा के आतंकियों पर यह आरोप लगाया था। इजरायल के साथ ही रेस क्रॉसिंग के जरिए गाजा में प्रवेश करने के तुरंत बाद विस्फोट चले फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री रामी हमदल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचा और पट्टी के उत्तरी भाग में एक लंबे समय से प्रतीक्षित सीवेज संयंत्र परियोजना का उद्घाटन करने के लिए चला गया, लेकिन फतह ने गाजा के इस्लामिक हमास शासकों को काफिले पर कायरतापूर्ण हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया। कड़वा प्रतिद्वंदी गुटों के बीच आगे बढ़ते तनाव। हमदल्लाह के काफिले में 3 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। उनकी खिड़कियां उड़ा दरवाजे पर खून के लक्षण थे। हमदल्लाह, जो पश्चिम बैंक में संचालित सीनेज संयंत्र का उद्घाटन करने के लिए हमास चलाने गाजा पहुंचे और कहा कि हमले कड़वा विभाजन को समाप्त करने की मांग करने से रोक नहीं पाएगा, हम अभी भी गाजा आएंगे। 2007 में अधिग्रहित मालजू जलाशय गिरने के बाद इस प्लांट का अनुमान लगाया गया था। 5 गांवों की हत्या। विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और अन्य यूरोपीय सरकारों ने वित्त पोषण में लगभग $75 मिलियन का भुगतान किया है। 2007 में फिलिस्तीनी प्राधिकरण से गाजा की हमास का अधिग्रहण और आगामी इजरायल मिस्र के नाकाबंदी, बिजली की कमी और संघर्ष ने 4 साल तक परियोजना के उद्घाटन में देरी की। पुराने जलाशयों के अलावा संयंत्र को 4 शहरों और गांवों से अपशिष्ट जल मिलेगा, उपचार के बाद पानी सिंचाई के लिए स्थानांतरित किया जाएगा और शेष को सुरक्षित रूप से समुद्र में फेंक दिया जाएगा।